मामले में पुलिस का एक्शन, एक संदिग्ध युवक हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के लिए अब इस युवक को कोटगरा थाने में हिरासत में लिया गया है। और ये अपडेट आपको बता दें कि त्रिशूर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है, एक युवक ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, यानी खुद से पुलिस के सामने आया और अपने आप को सरेंडर किया और अब उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। केरल ब्लास्ट मामले में ये एक्शन लिया गया, ये अपडेट अभी का सबसे पहले आपको टाइम टाउन ऑफ भारत पर बता रहे हैं। त्रिशूर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पिंकी, ये बहुत बड़ा अपडेट, सरेंडर किया है खुद से एक युवक ने, क्या जानकारी और आपके पास? देखिए बिल्कुल, एक ने जो है सर मामले में पुलिस का एक्शन, एक संदिग्ध युवक हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के लिए अब इस युवक को कोटगरा थाने में हिरासत में लिया गया है। और ये अपडेट आपको बता दें कि त्रिशूर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है, एक युवक ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, यानी खुद से पुलिस के सामने आया और अपने आप को सरेंडर किया और अब उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। केरल ब्लास्ट मामले में ये एक्शन लिया गया, ये अपडेट अभी का सबसे पहले आपको टाइम टाउन ऑफ भारत पर बता रहे हैं। त्रिशूर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पिंकी, ये बहुत बड़ा अपडेट, सरेंडर किया है खुद से एक युवक ने, क्या जानकारी और आपके पास? देखिए बिल्कुल, एक ने जो है सरेंडर किया है, दूसरे को जो है कन्नूर से पिकअप किया है, यानी सीधे तौर पर पुलिस ने जो है कन्नूर से एक शख्स को उठाया है और इसमें से एक शख्स ने जो है इस बात को कबूल भी कर लिया है कि आईडी जो है उसी ने प्लांट किया था।